नमस्कार, सुप्रभात। मैं अमरेंद्र तिवारी, युवा कवि व लेखक। आज आपको तेल के खेल के बारे में बताऊंगा। बहुत पहले आपने सुनी होगी कि तेल जो है वो महंगाई को नियंत्रित करती है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि तेल अभी महंगा होते हुए भी महंगाई में थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा रही है? क्या ये सारे अर्थशास्त्री फेल हो चुके हैं? क्या अर्थशास्त्र की किताबें फिर से लिखने की जरूरत है? अगर ऐसा है तो मैं भी इसमें शामिल होकर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। आज से कुछ दिनों पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत $110 प्रति बैरल थी, उस समय भारत में तेल 67, 68, 69, 70 इस स्तर तक पहुंचता था। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत $50 प्रति बैरल आ गई, लेकिन भारत में इसका हुआ ठीक उल्टा। आज भारत के अंदर जो है तेल कम से कम किसी किसी राज्यों में आप देख रहे होंगे 79 तक आंकड़ा जा पहुंचा है। आखिर क्या वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत गिर रही है लेकिन भारतीय बाजारों में इसकी कीमत बढ़ रही है? सरकार इस बात को कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है कि वो तेल कंपनियों को इस बात की छूट दे चुकी है कि वो अपनी कीमत दिन प्रतिदिन तय करें, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या तेल 100 के पार हो जाएगा? तो तेल से ही पूछते हैं। तेरे बारे में क्या कहूँ रे तेल, तेरे बारे में क्या कहूँ रे तेल, तेरे कीमत का कोई नहीं मेल, तेरे बारे में क्या कहूँ रे तेल, तेरे बारे में क्या कहूँ रे तेल। जब $110 था तू विदेशों में, जब $110 प्रति बैरल था विदेशों में, तो 64 पे थी कीमत यहाँ तुम्हारी, तो 64 पे थी कीमत यहाँ तुम्हारी, अब $50 प्रति बैरल पे आया है, तो देखो फूटी है कैसी किस्मत ये हमारी। क्योंकि अभी 74, 75, 79, 71 ये रेट हम लोग को मिल रहा है, तो किस्मत फूटी है। फूटी किस्मत ये जनता की, मनमोहन के बाद आई मोदी की बारी। फूटी किस्मत ये जनता की, मनमोहन के बाद आई मोदी की बारी। इसमें मैं सरकार को नहीं रेखांकित करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार की कुछ दिक्कतें हैं। ऐसा है कि ऑडिट होना चाहिए कि तेल कंपनियां अपनी मुनाफे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ पे वेस्ट कर रही है, इस बात की ऑडिट होनी चाहिए। आखिर क्यों अंतर्राष्ट्रीय? मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे हमेशा यही बताया गया है कि अगर कोई चीज़ आप कम कीमत में खरीदते हैं तो उसे कम कीमत पे बेचेंगे, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हाफ प्राइसेस होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत में तेल जो है अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, तेल की कीमत? फिर आगे मैं लिखता हूँ, तेरे बारे में क्या कहूँ रे तेल, तेरे कीमत का कोई नहीं मेल, तेरे बारे में क्या कहूँ रे तेल, तेरे बारे में क्या कहूँ रे तेल। अब मैं फिर आगे लिखता हूँ, सोचता हूँ इसे समझूं अर्थशास्त्र की क्लास में, सोचता हूँ इसे समझूं अर्थशास्त्र की क्लास में, मन से पढ़ूं डिग्री फेल हो या पास में, मन से पढ़ूं डिग्री फेल हो या पास में, मतलब डिग्री फेल हो जाए, डिग्री में फेल लिखा हुआ है या पास लिखा हुआ है, पर समझने की कोशिश करूं अर्थशास्त्र की क्लास में कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तेल की कीमतें इस तरह से आगे बढ़ रही है। फिर मैं लिखता हूं कि जब $50 प्रति बैरल थे विदेशों में, 64 पे तुम रहते थे देखो मेरे भारत में, अब कम भी हो जाओ कम से कम उपदेशों में, 74 पे क्यों आ गए तुम घबराहट में। समझ न आता, अंतिम पंक्तियां हैं, समझ न आता ये कैसा है झमेल, तेरे बारे में क्या कहूँ रे तेल, समझ न आता ये कैसा है झमेल, तेरे बारे में क्या कहूँ रे तेल। दोस्तों मैं नहीं जान पाया कि मैंने कितने सुर में इसको बताने की कोशिश की, लेकिन बात तो वही है जो सिंप्लिसिटी से कही जाए वो आपके समझ में आए। कहा भी गया है कि अगर आप किसी चीज़ को जो पहुंचाना चाहते हैं कहीं पे, संचार और संप्रेषण की इतनी सुविधा है आजकल के समय में कि आप अगर अपनी बातों को पहुँचाना चाहते हैं
और जो वक्ता बोलता है, श्रोता अगर उस चीज को ग्रहण कर लेता है तो वही बात बड़ी बात मानी जाती है। वरना आप ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की नीति समझा दें, आप इसे जीडीपी से कंसल्ट कर दें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। देश तो ये सोचता है, देश तो ये जानता है कि इस ये कितनी कीमत में मिल रही है, कितने पैसे इसके लिए हमें खर्च करना पड़ रहा है। तो तेल की खेल में अगर किसी को और समझाना है तो वो भी आगे आइए और अपने विचारों को प्रकट कीजिए। धन्यवाद।